नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो लाइक करने वाले हैं, कमेंट करने वाले हैं और शेयर करने वाले हैं, आप सभी का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला और आप अपना सहयोग इसी तरह से हमारे साथ बनाए रखें। तो साथियों, अब अपने बात करते हैं। पहले जैसे हमने फर्स्ट वीडियो की बात साथियों अपने पहले वीडियो के अंदर बात की थी, दो का विभाजन, तीन का, चार का, पांच का। इसी तरह से अपने सेकंड जो भाग था उसके अंदर हमने बात की थी 13 का विभाजन और 7 का विभाजन। अब अपने उसी के आधार पे यानी 14 से विभाजित करना सीखेंगे। तो 14 के विभाजन के अंदर क्या होता है कि जिस संख्या में 2 व 7 का भाग जाता हो, यानी अपने पास कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उस संख्या के अंदर 2 का भाग जा रहा है प्लस 7 का भाग जा रहा है, दोनों का भाग जाएगा तो ही अपने 14 का भाग उस संख्या में जाएगा। अगर दोनों में से एक संख्या का भाग जा रहा है, जैसे 2 का भाग जा रहा है लेकिन 7 का भाग नहीं जाता, यानी दोनों में से अगर किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता तो 14 का भाग नहीं, उसमें 14 का भाग नहीं जाएगा। यानी जब अपने दोनों संख्याओं का भाग जाएगा तो ही इस संख्या में 14 का भाग जाएगा। अब अपने बात करते हैं 2 के भाग की। 2 का भाग क्या था कि जिस संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8 ये संख्या होगी उसमें 2 का भाग जाएगा। 7 की बात करते हैं, जैसे 7 का विभाजन था तो उसमें क्या था, अपने इकाई अंक को क्या करना था, 2 गुणा करना था। 2 गुणा करने के बाद जो शेष संख्या बचती थी, जो शेष संख्या बचती थी उसमें से क्या करना था, घटाना था। जो शेष संख्या बनती थी उसमें से घटाना था। अब इस संख्या में अपने पता करते हैं कि 2 का इसमें भाग जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 8 है। अब अपने 7 से विभाजन करते हैं, इस संख्या का इकाई अंक क्या हुआ, अपने 8 हुआ, तो शेष संख्या अपने पास बची 919 और इकाई अंक हमारा क्या है, 8 है। 8 तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। 16 क्या करेंगे, 919 में से क्या करना है, अपने 16 घटाने हैं, घटाएंगे तब अपने पास संख्या बचेगी 903। 903 बच गए। अब देखो 903 के अंदर अपने पास, 903 के अंदर अपने पास इकाई अंक क्या है, 3 है। इकाई अंक 3 है, 3 को क्या करना है, 2 गुणा करना है। 3 इकाई अंक अपना क्या है, 3 है, 3 को क्या करना है, 2 गुणा करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। अब जो शेष संख्या थी इस शेष संख्या में से अपने क्या करेंगे, 6 को घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 84 बनेगा। क्या बनेगा, 84। अब बात करते हैं अपने यानी कि 6 की, सॉरी अपने पास इकाई अंक अब क्या, ये संख्या बन गई, इसके अंदर क्या आ गया, इकाई अंक अपना आ गया 4। इकाई अंक अपना क्या आया, 4। 4 को हम क्या करेंगे, 2 गुणा करेंगे, अपने पास क्या आएगा, 8। इकाई अंक अपने 4 लेते हैं तो हमारे पास शेष संख्या बचती है 8। 8 में से 8 घटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हमारे पास मान क्या आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है। अगर हमारे पास अंत के अंदर 0, 7, 14, 21 इस तरह की संख्या आ जाती है, यानी 7 का पहाड़ा और या फिर 0 आ जाती है, तो इस संख्या के अंदर अपने 14 का भाग पूरा पूरा जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं कि 15 का विभाजन, 15 का विभाजन। और साथ ही अपने बात करते हैं 15 से विभाजन की। तो 15 का विभाजन क्या होता है, यदि कोई भी अपने पास संख्या हो उसमें 3 और 5 का भाग जाना चाहिए। 3 का सूत्र आपको पहले बताया था कि संख्याओं का हमें क्या करना है, योग करना है। योग करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उस आंसर में अगर 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग
चला जाएगा। उसके बाद अगर 5 से विभाजित है वो यानी कि लास्ट में शून्य होना 5 होना चाहिए। अब अपने जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं छोटा सा। अब ये उदाहरण है, इस उदाहरण के अंदर अपने पास क्या हो रहा है, इनका योग करेंगे जैसे 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12 और 5 17 और 1 18, यानी इसका योग आ रहा है 18, 18 में 3 का भाग जा रहा है और लास्ट में क्या है शून्य, यानी जिस संख्या के लास्ट में शून्य और 5 हो उसमें 5 का भाग जाता है, तो इसके लास्ट में शून्य इसमें 5 का भी भाग जा रहा है, यानी इसमें 3 का और 5 का दोनों का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 15 का भाग चला जाएगा। उसके बाद अपनी बात करते हैं 16 से विभाजित। जैसे अपने किया था 4 का विभाजन, 4 के विभाजन में क्या था अपने लास्ट के 2 अंक देखने थे और उसके बाद था 8 का, उसमें थे अपने पास अंतिम 3 अंक, लेकिन इसके अंदर क्या है अंतिम 4 अंक देखने, 16 से विभाजन जो है उसके अंतिम 4 अंक में भाग जाना चाहिए, किसका 16, अंतिम 4 अंक में 16 का भाग जाना चाहिए। जैसे अपने पास मान लेते हैं कोई भी संख्या है, जैसे मान लेते हैं अपने पास ये संख्या है, इस संख्या के अंदर अपने पास क्या देखना है कि लास्ट 4 अंक देखने, लास्ट 4 अंक देखेंगे तो उसमें अपने पास ये संख्या बनी, यहाँ पे शून्य का हटा देते हैं एक बार और भाग दे देंगे क्योंकि यहाँ पे शून्य का महत्व नहीं बन रहे। अब इसमें क्या करेंगे अपने 16 का भाग देते हैं, तो 16 दुनी 32, शेष बचेगा 3, 2 आएगा और 16 दुनी 32। अब क्या हो रहा है इस 4 अंक के अंदर अपने पास 16 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में चाहे ये संख्या कितनी भी बड़ी हो इस पूरी संख्या में 16 का भाग चला जाएगा। तो आपको पता लग गया होगा 2 का विभाजन, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, जैसे 2 का था तो 2 के लास्ट में 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, 3 का जो सूत्र है उसमें संख्याओं का हमें क्या करना है योग करना है, योग के अंदर 3 का भाग देना है। 4 का विभाजन क्या था कि 4 के विभाजन में लास्ट 2 अंक देखने, लास्ट 2 अंक में अपने 4 का भाग जाना चाहिए, अगर लास्ट 4 2 अंकों में पूरा पूरा भाग जाता है 4 का तो पूरी संख्या के अंदर क्या होगा कि 4 का भाग चला जाएगा। उसके बाद 5 की बात करते हैं, तो 5 के लास्ट में शून्य और 5 होना चाहिए। 6 का विभाजन, उस 6 के विभाजन के अंदर क्या होता है कि 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए। फिर बात करते हैं 7 के विभाजन की, तो 7 के विभाजन में लास्ट जो अंक है उसको हमने क्या करना है 2 गुणा करना है, 2 गुणा करके शेष जो संख्या बचेगी, जैसे ये इकाई अंक है इसको 2 गुणा करेंगे शेष संख्या अपनी ये बचेगी, दुगुणा करने के बाद इनमें से घटाना है, इसी तरह से ये रिपीट में चलता रहेगा। उसके बाद 8 का विभाजन, 8 के विभाजन में क्या होगा कि लास्ट के अपने 3 अंक देखने, 9 का विभाजन संख्याओं का योग और जो योग आएगा उसमें 9 का भाग अगर पूरा पूरा जाता है तो। फिर 10 का विभाजन, लास्ट में हमें क्या देखना है शून्य देखना है, और एक उसके बाद है 11 का विभाजन, 11 के विभाजन के अंदर सम संख्या का योग करना है और विषम संख्याओं का योग करना है। सम संख्या जैसे अपने पास ये संख्या दी 2, 5, 0, 3, 5, 2, सम संख्या विषम संख्या 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, इनका योग करना है और सम के अंदर 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर इनका योग करना है, योग करने के बाद इनका घटाव करना है, घटाव करने के बाद अगर 0 आता है 11, 22 तो आंसर, अगर 0, 11, 22 आता है तो अपना 11 का भाग जाएगा। 12 के विभाजन की बात करते हैं, तो 12 के विभाजन में क्या था कि संख्या में 3 और 4 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। 13 का विभाजन कल बताया था हमने कि लास्ट अंक को 4 गुणा करना है
चार गुना करने के बाद जोड़ना है, शेष जो संख्या बचेगी उसमें हमें जोड़ना है। और चौदह का जो विभाजन है उसमें क्या करेंगे कि जिस संख्या में दो और सात दोनों का भाग जा रहा है तो उसमें क्या होगा, चौदह का भाग। पंद्रह का विभाजन आपको अभी बताया कि जिस संख्या में तीन और पांच का भाग जाता है। और सोलह का जो विभाजन होगा अंतिम चार अंक देखने हैं, चार अंकों में अगर पूरा भाग जा रहा है तो सोलह का भाग जाएगा। धन्यवाद। और उसके बाद अगर इस चीज में अगर किसी प्रकार की कोई कमी हो, कोई भी गलती हो तो प्लीज कमेंट के अंदर लिखना ताकि अपने आगे वाली वीडियो के अंदर उसका सलूशन निकाले। वीडियो अगर किसी के समझ में नहीं आता, यानी कोई भी सवाल अगर समझ में नहीं आया या सूत्र कोई समझ में ना आया हो तो उस चीज़ को आप कमेंट में लिखना ताकि आने वाली जो आगे वाली वीडियो होगी हम उसके अंदर उसका सलूशन दे सकें। थैंक यू।